और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि राज्य में एक बार फिर से पैसे से भरा बैग बरामद किया गया है। इस बार ये पैसे एक युवक के पास से बरामद किए गए हैं और कुल 60 लाख रुपए इस युवक के पास से नगद बरामद मिले हैं। इतने सारे पैसे कहां से आए हैं, ये बड़ा सवाल है। जी हां, एसएससी भर्ती घोटाले मामले में पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैटों से करोड़ों रुपए की वसूली की गई थी। इस घटना को लेकर राज्य में काफी बवाल मचा हुआ है, लेकिन राज्य में एक बार फिर से पैसे मिलने का मामला सामने आया है। एक युवक के पास से करीब 60 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। यह घटना नेहट्टी में सामने आई है। गिरफ्तार युवक का नाम अभिषेक सोनकर है और वो 24 साल का है। अभिषेक सोनकर टीटागढ़ का रहने वाला बताया गया है। मंगलवार दोपहर वो कल्याणी से नेहट्टी आया था। उस समय औचक निरीक्षण भी चल रहा था। पुलिस को अभिषेक सोनकर की गतिविधियों और मंशा पर शक हुआ। जीआरपी की पुलिस उसके पास गई और उसकी तलाशी के वक्त उसके पास से करीब 60 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। इसके अलावा उसके पास इतने पैसे कहां से मिले और वह इस पैसे को कहां लेकर जा रहा था, उसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार बंगाल से अलग अलग जगहों पर छापेमारी के बाद पैसों की बरामदगी हुई थी। एसएससी भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने कई जगह छापेमारी की थी। अब ये पैसे मिलने की तार कहां तक और किससे जुड़ा हुआ है, पुलिस इसकी गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। किराम बोल रही है, तेरा नाम क्या बोला है, उम्र कितना बोला, बेटा कहाँ है, Gracias.